0111-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाह जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठा पटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सब बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको भरने के लिए सरकार को भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकेत सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जुन्नत सिद्दीकी, बेहद ही गंभीर सवाल के साथ, सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। सर, मन से एक और ऐसा सवाल, आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत, बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। आज भी विधायक हमारे साथ हैं जिनसे आप सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0111-4321-4321। आज हमारे साथ हैं बादली के विधायक नरेश जी। आज हम बात कर रहे हैं जज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र की। इस हल्के का ज्यादातर हिस्सा गाँव का है और इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। बादली विधानसभा क्षेत्र झज्जर जिले का हिस्सा है। ये हलका पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। परिसीमन के बाद हलके में 102 गांव शामिल हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बादली झज्जर जिले का सबसे बड़ा गांव है। यूं तो हलका दिल्ली नजफगढ़ बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन विकास की रेस में हलका काफी पिछड़ा हुआ है। किसी वक्त में बादली को चौटाला का गढ़ माना जाता था, क्योंकि इनेलो के दमदार उम्मीदवार धीरपाल लगातार 5 बार यहाँ से विधायक रहे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1991 में विधानसभा चुनाव से लेकर 2000 के विधानसभा चुनावों तक धीरपाल सिंह इस सीट पर काबिज रहे। 2005 में नरेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बादली से जीते। शर्मा की जीत से प्रभावित कांग्रेस पार्टी ने 2009 के विधानसभा चुनाव में बादली से नरेश शर्मा को उतारा और दोबारा जीत हासिल कर शर्मा विधायक बने। बादली हलके की सबसे बड़ी उपलब्धि इस वक्त बाढ़सा गाँव में बन रहा एम्स अस्पताल है। हलके में कुल 141,375 वोटर हैं, जिनमें पुरुष 77,593 हैं और महिलाएं 63,882 हैं। जी, और अब बात करते हैं इस हलके के विधायक नरेश कुमार शर्मा की और जानते हैं कि इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा।
नरेश कुमार शर्मा, विधायक बादली, बाजी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 13,358 वोटों से जीत हासिल की। बादली के विधायक नरेश कुमार शर्मा का जन्म 17 दिसंबर 1964 को बादली गांव में ही हुआ। इन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की है। नरेश शर्मा को बचपन से फुटबॉल खेलने का शौक था। नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलने वाले शर्मा को स्पोर्ट्स कोटे से डीडीए में नौकरी मिली और 7 साल नौकरी करने के बाद 1990 में बादली गांव के सरपंच का चुनाव लड़ा और विजय रहे। साल 2000 में नरेश शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर बादली से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। साल 2005 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नरेश शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। इन्होंने कांग्रेस के चतर सिंह पहलवान को 2,622 वोटों से हराया। जीतने के बाद शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए और इन्होंने 2009 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा। इस बार भी बादली की जनता का समर्थन नरेश कुमार शर्मा को मिला। 13,358 वोटों से निर्दलीय बिजेंद्र सिंह को हराकर नरेश शर्मा ने विधायक पद पर बाजी मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है इनका राजनीतिक सफर नरेश जी। आप पहले निर्दलीय रहे, फिर आपने कांग्रेस का दामन थामा और अब भी आप कांग्रेस में हैं। तो क्या वायदे किए आपने विधायक बनने से पहले लोगों को लेकर? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे राजनीतिक गुरु रहे जी, और वो वादों में विश्वास नहीं रखते जी, बल्कि वो काम करके उद्घाटन करते हैं। कोई घोषणा करते हैं तो अकाउंट में पैसे भेजते हैं, बाद में घोषणा करते हैं। और ये हमारी पार्टी का कल्चर ही नहीं है कि वादे करें और मुकर जाएं। वादों की मार तो 40 साल से बादली विधानसभा झेलता रहा। नेताएं आते थे, वादे करते थे, उद्घाटन भी करते थे और वहां बड़े बड़े प्रलोभन देते थे। रोड बनाने के लिए सड़कों पर रोड़ियां डाल दी थी, रॉ मटेरियल डाल दिया जाता था। बादली के अंदर तहसील खुल जाती थी, 2-3 महीने तक तहसीलदार वहां बैठता था टेबल डाल के कि रजिस्ट्रिया यहां रहेंगे, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कॉलेजों के उद्घाटन कर दिए जाते थे, एक एक बार नहीं, 2-2 बार कर दिए जाते थे। और जब बादली विधानसभा के लोग, क्षेत्र के लोग मतदान उनके पक्ष में कर देते थे, वो जीत जाते थे। और जब विधानसभा में चले जाते थे तो साथ के साथ वो वादे, वो तसीले, वो कॉलेज के लगे हुए पत्थर छूमंतर हो जाते थे, उड़ जाते थे, पता नहीं चलता वो कहां से उड़ कर जाते थे। तो नरेश जी का कहना है कि वायदे पहली सरकारें करती थी, इन्होंने वायदा नहीं बल्कि काम करके दिखाया है। क्या क्या काम किए जानेंगे। महावीर हमारे साथ जुड़ गए। जी महावीर, बताइए। हेलो। जी बताएं। हेलो। बोलिए बोलिए महावीर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है महावीर, बताइए। नमस्ते सर। जी बताएं। सर, आपने एम्स खुलवा दिया बादली हल्के में, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं सर। चलिए, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। विनायक है हमारे साथ। जी विनायक बताइए। हेलो। जी बोलिए। हाँ मैडम जी, बोलिए। हाँ मैडम जी, मैं विधायक। नमस्कार जी। जी बताइए, क्या पूछना है। हाँ मैडम जी, मैं तो एक सिर्फ आम वोटर हूँ जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मैं एक आम वोटर हूँ जी यहाँ से। हाँ? और मैं अपने विधायक जी से मतलब सब कटाक्ष तो जरूर करते हैं जी। हाँ? लेकिन मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में विधायक जी के बारे में, सभी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा जी। आपका कोई सवाल है विधायक जी से? विनायक आप है हमारे साथ? हाँ सुन रही है जी आवाज। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम बस मैं, हेलो। जी बोलिए। शायद उनसे संपर्क नहीं है। राहुल हमारे साथ हैं। जी राहुल बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार बताएं। हाँ मैं बाबूजी से बात करना चाहता हूँ जी। हाँ बोलिए, क्या पूछना है। हाँ मैं बाबूजी से ये पूछना चाहता हूँ। हाँ। पैसे तो खा चुके हैं ये लोग। हाँ। आगे और कितना पैसे खाएंगे ये? बस ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं किस बात पर? चलिए जानते हैं, पैसों की बात कर रहे हैं लेकिन आपने कहा है विकास हुआ है, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या विकास हुआ है? देखिए हम जी, एक एक नागरिक का जी, जो भी हमारे पास हाँ, मूलभूत सुविधाएं लेकर आता है हाँ, जो भी हमारे से जी, अपेक्षा करता है जी, कि मैं विधायक जी के पास जाऊंगा हाँ, जो भी हमारे पास कदम रखता है हाँ, हम पहले तो अपना सौभाग्य समझते हैं हाँ,
कि इस भाई ने हमारे को किसी काबिल समझा है और ये हमारे पास आया है और इसका मौलिक अधिकार है, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और हर संभव कोशिश करता हूँ। और मैं जब भी गांव की तरफ जाता हूँ, गांव की चौपाल में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो खुले रूप से एक ही बात कहता हूँ और वोट मांगने जाता हूँ जब भी, आगे भी मेरा यही मैनिफेस्टो होगा कि हमारी सरकार या मैं स्वयं, अगर कोई आदमी, जितनी भी हमने इमदाद की है, कोई ट्रांसफर है, कोई सर्विस में हेल्प करने की बात है, कोई भी आधार है, अगर एक नागरिक भी झूठा इल्जाम भी ये लगा देगा कि मेरे से विधायक ने एक गिलास पानी पिया है, तो मैं भगवा वस्त्र धारण करके राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा दावा है। बहुत बड़ी बात यहाँ एक गिलास पानी इस कार्यक्रम के जरिए, जनता टीवी के जरिए अपने लोगों के सामने रखी है। बिल्कुल कमिटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह का कोई भी इल्जाम कोई लगा देगा तो शायद वो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। हमारे साथ नवीन है। जी नवीन बताइए। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। विधायक जी मैं नवीन बोल रहा हूँ बादली से। सर अब की बार कुछ मोदी फैक्टर काम कर रहा है और लगता है लोग कह रहे हैं आज सर्वे में कि शायद अब की बार बीजेपी का प्रथम लहराएगा और कमल खिलेगा, ये कहां तक ठीक है? देखिए भाई साहब, हमारे पास 50 पैरामीटर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदर्श मुख्यमंत्री है, हिंदुस्तान का नंबर वन मुख्यमंत्री है। हमारा प्रदेश 14वें प्लेटफार्म पर था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन नायक ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली, और उसके बाद आज गोवा को छोड़कर हरियाणा नंबर वन पर है और बहुत से देश विदेश के अंदर बढ़त बनाए हुए हैं। मैं दो चार योजना एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। दलित भाइयों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वजीफा दिया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा किस राज्य के अंदर दिया जाता है? मोदी जी कितना वजीफा देते हैं उनको, किसी को देते हैं या नहीं देते हैं? ये बड़ा जलवंत प्रश्न है, बड़ी गहराई की बात है। साइकिलें दी जाती हैं और किताबें फ्री दी जाती हैं, फीस माफ है, और गरीब दलित की या निर्धन जो आदमी है पीले कार्ड वाला उनके बच्चों को वजीफा दिया जाता है हरियाणा प्रदेश। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। तो यानी इनका यहाँ पर ये कहना है कि कांग्रेस बेहद ही मजबूत पोजीशन में अभी भी है हरियाणा में। हमारे साथ संदीप हैं। जी संदीप बताइए। मैं संदीप बोल रहा हूँ। बारली में स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है? किताबें भी नहीं मिल रही, सरकारी की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा। वैसे एमएलए साहब इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जी हम जानते हैं कि किताबों की क्या समस्या है। हमारे साथ बहादुर है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी बहादुर बताइए। जी बहादुर अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और बताएं। बंद कर दिया वॉल्यूम। जी नमस्ते जी, जी नमस्कार बताइए। मैं हरी से बोल रहा हूँ जी। जी हाँ भाई साहब। हाँ एमएलए साहब पहली बार मिले हैं जी, ऐसे हमने 4-5 बार वोट डाल दी। हाँ ऐसे एमएलए पहली बार दिखाई थी हमने जी। अच्छा तो आपके पास आते नहीं है क्या? ना आए हरी बात है, बहुत ज्यादा खेल खेल बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा चलिए बहुत बेहतर, तो आप खुश हैं। चलिए बहुत बेहतर, आपको टीवी पर देख के खुश हैं, लोग आपसे रूबरू बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर संदीप ने कहा कि स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं, क्या कहना है? देखिए कई बार जैसे अभी एग्जाम हुए हैं, संदीप की बात भाई से मैं सहमत हूँ। हाँ। अगर उनको वाक्य में कोई प्रॉब्लम है जी, तो शायद मैं 2 दिन तो कंप्लीट बैठता हूँ। कई बार मिसिंग हो जाती है, शिकायत हो जाती है भाई को, वो स्वाभाविक है। कोई पार्टी का बड़ा फंक्शन है, रैली जलसा है, या माननीय मुख्यमंत्री जी की कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंगें आ जाती हैं, कई बार पार्टी से संबंधित प्रोग्राम आ जाते हैं, तो कई बार हमारी मिसिंग हो जाती है और वहां लोग जाते हैं और हमारे से नहीं मिल पाते, तो उस पर भी हम खेद होता है हमारे को और खेद प्रकट भी करते हैं। स्कूलों में किताबें नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? जैसे हमारे भाई ने ये प्रॉब्लम बताई है तो मैं उसकी प्रॉब्लम से खुश होया हूँ, लेकिन उसको मेरे से भी संपर्क करना चाहिए क्योंकि वो हमारा भाई है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराएंगे। चलिए बहुत बेहतर, तो यहाँ गारंटी ले रहे हैं आपके विधायक कि वो जल्द ही अगर स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं तो वो मुहैया करवाएंगे। और संदीप अगर फिर भी ऐसा होता है तो उनका कहना है कि आप आके पर्सनली उनसे मिलिए और कहिए कि जनता टीवी के कार्यक्रम में आपने उनसे बात की थी। हमारे साथ एक और कॉलर है प्रवीण। जी बताइए। पवन बोलिए क्या कहना है आपका? हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। मैं पवन चौधरी बोल रहा था जी बादली से। नमस्कार भाई साहब बोलिए।
हाँ जी सर, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैडम जी, हमारे ये एक विधायक ही ऐसे हैं कि जो काम करके भी उनको फोन पे मैसेज देते हैं कि उनका काम हो चुका है। चलिए, बहुत बेहतर है कि अगर काम होते हैं और वो कंसर्न्ड हैं। जहां तक बात आपने कही कि एम्स वहां पे अस्पताल बन रहा है, और ऐसी क्या क्या बड़ी जो बातें हैं वहां पर हुई है बादली में? देखिए, हरियाणा सरकार की तो योजनाएं समस्त हरियाणा प्रदेश का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हाँ, कालका से लेकर होडल तक, सिरसा से लेकर मेवात तक, एक एक गांव का, एक एक गली का विकास किया है। और उन्होंने धार रखी है कि जो भी मैं योजना बनाऊंगा, सबसे गरीब आदमी तक उस योजना का लाभ जाना चाहिए। उस वो हर योजना को स्वयं चेक करते हैं। अब हमारे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे को ऐसे एमपी मिले हैं कि वो कर्म योगी हैं। रात दिन उनका ये संकल्प है, उनकी ये धारणा है कि मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र को तो प्रदेश का सबसे सुंदर क्षेत्र बनाऊं, लेकिन हरियाणा में भी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कदमों में कदम मिलाकर समूचे हरियाणा प्रदेश नरेश जी शायद गली का विकास करना चाहते हैं। इसीलिए ये बातें भी उठती रही हैं कि रोहतक में ही ज्यादा विकास हो रहा है। नहीं, ये विपक्ष के पास ना कोई आधार है, ना कोई जनाधार है, ना कोई मुद्दा है। जननायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समस्त हरियाणा प्रदेश का विकास किया है, और आधारहीन विपक्ष ये इस तरह की अनरगल बातें कर दे, नापाक इरादे हैं उनके, नापाक इल्जाम है उनके। इन बातों में कोई तथ्य नहीं। मेरी एक सेकंड की बात और मैडम, मैं आपको अवगत करना चाहता हूं, समूचे हरियाणा प्रदेश के भाइयों को, अपने मतदाताओं को, जिनको मैं भगवान का दर्जा देता हूं, अभी एक इतिहास माननीय दीपेंद्र हुड्डा और रचने जा रहे हैं, जो सेंटर की योजना है, हरियाणा प्रदेश की योजना नहीं है, कि बाड़सा गांव के अंदर ही जमीन पंचायत दे रही है और IIT बनने जा रही है, और भाई साहब इसकी घोषणा 3 दिन पहले कर चुके हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर यह भी उद्घाटन हो चुका है, बाड़सा गांव से शुरुआत हो चुकी है, एसआर के गांव से माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी कर चुके हैं। बहुत बेहतर कि इन्होंने 24 घंटे लाइट देने का उद्घाटन हो चुका है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ महासिंह है। जी महासिंह बताइए। मैडम जी, मैं इनका सहपाठी हूँ और मैं फौज में 32 साल नौकरी करके आया हूँ। मेरा एक कहना यह है, इनसे तो मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, मैं जनता से क्वेश्चन करूंगा। जब मैं रोहतक बैरक है, मैं नेहरू कॉलेज में पढ़ता था +2 में, हमारे बाप फर्स्ट ईयर में, और जब मैं रिटायरमेंट होकर क्या जब रोड़ी पड़ी ना जी, अभी जनता ये हरियाणा की कह रही है, अभी क्या उसमें रोहतक में गद्दर में विकास किया है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और जब मैं शादी की थी 1983 में, जब वो रोहतक गया था तो उसमें रोड़ी पड़ी थी, और जब ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए बने तब उसमें तारकोल हुआ है। तो चलिए, आप भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी, जी बहुत अच्छी नेता हैं। जी बताइए। चलिए, इनका कहना है कि अच्छे विधायक हैं और काम कर रहे हैं, ऐसी और क्या कमियां हैं? आपने कहा बिजली की बात, पूरी बिजली मिल रही है, अस्पताल खुल गया है, सड़कों के क्या हाल है? देखिए, 40 साल की टूटी फूटी व्यवस्था थी, हाँ, और रात दिन प्रयास करने के बाद जी हम विकास की पटरी पर लेकर आए हैं क्षेत्र को। हाँ, 40 साल के वादों के बोझ के नीचे दबाया हुआ था हरियाणा, हाँ, उसको मैंने उभारा है, हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, सोनिया जी के मार्गदर्शन, दीपेंद्र की रात दिन की मेहनत से, हाँ, और हम उनके कदमों में कदम मिलाकर चल रहे हैं, और विकास तो करना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, हम तो उनके सिपाही हैं, जो उनका दिशा निर्देश होता है, जिस मोर्चे पर भी वो ड्यूटी लगाते हैं, हम मुस्तैदी से काम करते हैं, और एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी निष्ठा पर, हमारी वफादारी पर, हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह ना लगे कभी, ईमानदारी से। चलिए, यहाँ पर विधायक के ये जरूर दावे हैं कि पिछले 40 साल में जितना विकास नहीं हुआ है, वो इन सालों में, इनके टेन्योर में, यानी कि इनके वक्त में विकास हुआ है। अब तय जनता को करना है कि वो क्या कहती है। हमारे साथ मोनू है। जी मोनू बताइए। नमस्कार, मैं राम राम भाई साहब। बताइए। मोनू बोल रहे हैं जतपुर से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो विकास करवाया गाँव में,
चलिए बेहद शुक्रिया, आप विकास से खुश हैं। तो अब वक्त है इनके विपक्ष की इनके बारे में क्या राय है वो जानने का। आइए देखते हैं कि इनका विपक्ष इनके बारे में क्या सोचता है। पीने का पानी नहीं है बादल सभा क्षेत्र के अंदर 40 गांवों में, बिजली के बुरे हालात हैं, युवाओं को नौकरी नहीं है। आज गरीब आदमी रोटी खाने को तरस रहा है, गरीब आदमी को छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है। आज महंगाई से मारा मरी पूरे प्रदेश में हो रही है। तो इनके विपक्ष का ये मानना है कि पीने के पानी की समस्या है, लोगों में बेरोजगारी है। जानेंगे इनका क्या कहना है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण बताइए। हेलो जी, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, प्रवीण देशवाल बोल रहा हूँ, सुरैती गांव से। नमस्कार भाई साहब, बताएं। मेरा मकान है जी चौपाल के पास, वो गली 50 साल से नहीं बनी है जी पिछले से। चलिए जानते हैं विधायक जी का क्या कहना है, क्या कहेंगे विधायक। देखिए कुछ गलियां रही है, मैं पहले भी कह रहा था यार, जो प्रवीण जी कह रहे हैं उसको अभी मात्र जस्ट 50 लाख रुपए, प्रवीण जी भी वहां होंगे, हमारे भाई हैं, 50 लाख रुपए जस्ट मात्र हफ्ता पहले एमपी दीपेंद्र सिंह भाई हमारे और मैं स्वयं जाकर देख आए हैं, और मात्र एक महीने के अंदर भाई साहब की मैं समस्या से अवगत होया हूँ, पैसे चले जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा, और पैसे की कोई कमी आगे नहीं आने दी जाएगी, कम रहेंगे तो और पैसे भिजवा दिए जाएंगे। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात से मैं सहमत हूँ, आपसे वादा कर रहे हैं कि आने वाले एक महीने में आपकी जो गली कच्ची है, जो इतने सालों से इस हालात में थी, वो ठीक हो जाएगी। आपके विपक्ष का कहना है कि पानी के पीने की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या नहीं तो हुई नहीं जी, हाँ। ये जो समस्याएं हैं हमारे भाई साहब ने जो बताई जी, वो हमारे को विरासत में मिली, हाँ। और अब माछरोली है, हाँ। बादली है, हाँ। माजरी है जी, और दादरी है, हाँ। कई सौ करोड़ रुपए जी, जो रिकॉर्ड में अपने भाई को दिखा दूंगा, भेज दिए गए हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन वहां ट्रीटमेंट प्लांट का काम जारी है जी, और जितनी भी जल्दी हो सकेगा इस समस्या से जनता को निजात दिलाएंगे। और जैसे भाई साहब ने बताया जी, कभी खाने को रोटी नहीं है, हाँ। तो स्वतंत्र भारत के अंदर, हाँ। हर नागरिक को काम तो करना ही पड़ेगा, करके तो खाना ही पड़ेगा, तो रोजगार के अवसर हैं। 100 दिन की गारंटी योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, और नरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, और आज जो आदमी काम करना चाहता है, कम से कम हरियाणा प्रदेश इतना जागरूक है, काम करने वाले को लिए दो हाथ से काम करना चाहता, उसी काम की कमी नहीं है। चलिए ये आपको डिसाइड करना है कि क्या रोजगार के इतने अवसर आपको वहां पर मिल रहे हैं या नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर ये जरूर क्लेम कर रहे हैं, रोजगार के अवसर जुटाए जा रहे हैं, हाँ। मैं भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि 40 साल तक विपक्ष की सरकार रही है, हाँ। उसके अंदर डासा बॉर्डर, हाँ। दिल्ली बादली टच है, डासा बॉर्डर पहला स्टेशन है दिल्ली के बाद में आने के बाद में, डासा बॉर्डर से झज्जर तक उद्योग के नाम पर किसी ने कोई चाय की दुकान भी खुलवाई हो तो उस उद्योगपति का उस जगह का नाम बताएं। विपक्ष वाला कोई हमारा साथ कहना है कि जो पहले नहीं हुआ वो इनके समय में जरूर हुआ है। कैलाश हमारे साथ हैं जी, कैलाश बताइए। मैडम एक पंडित जी से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, वैसे तो ये कहते हैं कि शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ। परंतु अब एक नियम है हरियाणा एजुकेशन एक्ट नियम 134 है, जिसमें 25% बच्चों के लिए दाखिले फ्री थे निजी स्कूलों में, परंतु हमारी कांग्रेस सरकार ने 10% कर दिया, इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी करवाए हैं, क्या कहेंगे। देखिए 25% पर सहमत नहीं थे प्राइवेट स्कूल वाले, और ये कोई निजी बात नहीं है किसी की, हाँ। और उनसे कई बार उन्होंने आंदोलन किया कि इतना 25% को हम नहीं फ्री पढ़ा पाएंगे, हमारा कवर नहीं होता, हमारे बिल्डिंग में भी लगाए हैं हमने, जनाब दाएं बाएं से पैसे भी लगाए हैं, कुछ हमने लोन भी लिए हैं, हमारे को किस्त भी भरनी है। अब ज़्यादातर ग्रामीण अंचल के अंदर किसान टाइप बच्चों के स्कूल हैं, उनको रोजगार मुहैया है, तो वो सहमति अगर कोई हो 10% हुई होगी, तो जो ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं शिक्षा के प्रबंध करे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, उनको फ्री पढ़ाई दी जाती है, उनको फ्री वर्दी दी जाती है, उनको वजीफा हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि पहले 150 रुपये दिया जाता था, और अभी मात्र 1.5 महीना पहले जननायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 रुपये
जो जमीनी हकीकत है, जो हमने भी स्कूलों का दौरा किया, देखा है कि बहुत से सरकारी स्कूलों में व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है। बच्चे बिना पंखे बिना पानी की व्यवस्था के बैठने और पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस तरह के हालात हमने भी दिखाए हैं। बहरहाल इस पर और काम होना अभी जरूर बाकी है। जहां तक इनकी बात है, ये जरूर कह रहे हैं कि अगर वहां पर एडमिशन नहीं हो रही तो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जरूर है। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, करण सिंह जी। करण जी बताइए। हेलो जी, बोलिए। हाँ प्रधान जी नमस्कार। मैडम नमस्कार। जी बताएं। हाँ जी मैडम, मेरा एक प्रश्न है। लोगों का मानना है कि प्रधान जी सीएम साहब के बहुत प्रिय एमएलए हैं और सबसे ज्यादा विकास इन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है। क्या पूरे हरियाणा में इस तर्ज पर विकास हो रहा है? चलिए जरूर जानेंगे इनसे ये सवाल, क्योंकि बहुत सवाल ये उठते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ये सवाल उठते हैं, जनता भी ये सवाल उठाती है। एक और कॉलर है धर्मवीर, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी धर्मवीर जी बताइए। करण सिंह मास्टर जी बोल रहा हूँ जी। जी बताइए करण जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, एमएलए साहब 24 घंटे 365 दिन हाजिर मिलते हैं। कभी भी हरियाणा के पहले एमएलए हैं जो कभी भी किसी भी समय अवेलेबल रहते हैं। चलिए बहुत बेहतर है अगर ऐसी बात है तो। और जो प्रश्न हमारे एक और दर्शक ने किया था, करीबी है, जितना विकास यहाँ हो रहा है वहां पूरे हरियाणा में नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उस भाई को धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे अंदर विश्वास जताया है और वो भाई है हमारा। लेकिन कुछ विकास प्रतिनिधियों पर भी डिपेंड करता है। प्रतिनिधि भी विकास करने की मंशा रखें और मेहनत करें। अब जिनकी मंशा ही नहीं है, मैं चंडीगढ़ में भी विधायक हूँ, मैं व्यक्तिगत पक्ष विपक्ष में भी वैसे विधायक हैं कि जाते हैं वहाँ और हाजिरी लगाते हैं, TADA पक्का करते हैं और उड़न छू हो जाते हैं। मैं 2 दिन वहाँ रुकता हूँ और ये संकल्प ले रखा है कि एक एक भाई की समस्या सुनूंगा और एक एक ऑफिस को टच करता हूँ। कई कहते हैं कि तू दूसरी बार का विधायक है और तू हर अफसर के पास जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को 100 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा और मेरे भाई संतुष्ट होंगे तो वो भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए बिल्कुल। तो प्रतिनिधि का भी दायित्व है कि वो जागरूक रहे, वो मेहनत करे और अपने भाइयों में बीच में रहे, उनकी समस्याएं सुने और उनका निवारण करे। और बहुत सी, मैं ये नहीं कहता सब कुछ हो गया जी, हमारे सीएम साहब और एमपी साहब भी रात दिन लगे हैं, पूर्ण रूप से वो भी संतुष्ट नहीं है। तो चलिए यहाँ नरेश जी का ये जरूर मानना है कि एक विधायक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कितना काम करना चाहता है, उन्होंने किया है। मजा एक और कॉलर है जी, बताइए क्या कहना है आपका। जी बोलिए। हेलो जी बताएं। हाँ सर, मैं ये सर से बात ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे हलके में जो पैनासोनिक और इंटरनेशनल कंपनी आ रही है, इनसे हमें कितना क्या फायदा मिलेगा और क्या वो चल रहा है? जी चलिए जरूर जानेंगे कि इनसे आपको क्या अवसर मिलेंगे। जोगिंदर है, उनकी भी बात सुनते हैं। जी जोगिंदर बताएं। हेलो जी बोलिए जोगिंदर। नमस्कार जी। जी बताएं। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप भूपेंद्र हुड्डा को जननायक कहते हैं, हरियाणा में तो कहीं भी काम नहीं हो रहा। कहीं भी काम नहीं हो रहा, आप उन्हें नायक बताते हैं, और जो पैनासोनिक की फैक्ट्रीज आ रही है उनसे क्या अवसर मिलेंगे? दोनों बातों का जवाब बहुत ही संक्षेप में चाहूंगी, वक्त की कमी। पैनासोनिक में 15% का अनुबंध है। हमारे क्षेत्र के 15% साथियों को, हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा। और जो मेरा दोस्त है जो इसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो झज्जर से बॉर्डर वाले रोड पर जाकर देखे, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल में जाकर देखें, वो बादली कॉलेज के पिलर हिलाकर देखें, कच्चे तो नहीं है और वो भाई है, और कोई कमी बेसी है वो हमारे से आगे मिलेगा तो उसकी बात भी सुनेंगे और उस काम को भी करने का संकल्प करेंगे हम। चलिए बहुत बेहतर। अब इनके क्षेत्र के लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, आगे वो भी सुनते हैं कि इनके वहां के लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। बादली विधानसभा में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। SEZ के नाम पर किसानों से जमीन रिलायंस ने 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी है और पैनासोनिक कंपनी को 2 करोड़ में बेच दी गई है। बादली इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं जी, रोड का काम हुआ है, जैसे कॉलेज का हुआ है जी, पावर हाउस का हुआ है, गलियों का, लाइट का बहुत काम हुआ है जी। पावर हाउस नया बन रहा है, विधायक जी ने पूरा जोर लगा रखा है उसके लिए भी जी। बादली हलके में विकास के नाम पर पूरा ढकोसला तो हुआ है, एम्स
बाडड़ा में बनाया गया है जिसकी आउटर ओपीडी शुरू कर दी गई है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं बैठती। मुश्किल से तीन तरह के डॉक्टर बैठते हैं, मरीजों को देखते नहीं हैं। जो उनके असिस्टेंट और सबॉर्डिनेट हैं उनके हाथों से ही वो बगैर चेकअप किए लोगों को दवाई दिलवाते हैं। जी हाँ, तो हॉस्पिटल